मैं ये चाहूंगा यार थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल अरसलान का पहला सवाल गलत हुआ है, दूसरा नाम क्या था जिसका सवाल सही था, दूसरा नाम था हमजा। हाँ हमजा, तुम्हारा पहला सवाल सही है, तो व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन इट टू योर कोलीग्स के क्या सवाल में था और तुमने उसका जवाब क्या सोच कर दिया जो कि सही हो गया। सर पहला सवाल तो कॉन्फ़िगरेशन वाला था ना। हाँ मैं देख कर बता सकता हूँ। लोगों के शफल थे वैसे वो सवाल में। अच्छा अच्छा नहीं, मेरे पास जो यहाँ आ रहा है, अच्छा तुम उसको पहला कह रहे थे। चलो मैं सवाल बताता हूँ, सवाल बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर वन इज हाँ, स्मॉल सिग्नल गेन ऑफ वन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम सिंगल स्टेज एम्पलीफायर विद नो डीसी रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एंड अ हाई इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, तो एक गेन चाहिए एक एम्पलीफायर से वन का, डीसी रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए कोई इनपुट आउटपुट के बीच में, और इनपुट इम्पीडेंस भी हाई होनी चाहिए। तो अब कौन सा एम्पलीफायर कॉन्फिगरेशन इसको सूट करेगा, कॉमन ड्रेन, कॉमन सोर्स या कॉमन गेट? इसका मैंने कॉमन ड्रेन लगाया था। मतलब तुमने इसका इसका जो सही जवाब है वो वैसे तो कॉमन सोर्स है ऑब्वियसली, और तुमने सिलेक्ट यही किया होगा, 3 उधर सही आ रहा है। तो कैन यू एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इट, क्या सोच रहे हो? सोर्स आउटपुट सोर्स पे लगती है ना, तो वो सर कॉमन ड्रेन है ना इसका, कॉमन ड्रेन है इसका आंसर। अब मतलब नहीं ताहिर, तभी तुम्हारा गलत हो गया ना, पहला कॉमन सोर्स है इसका मतलब। अब मैं थोड़ा सा वही चाह रहा हूँ, तुम लोग करो थोड़ा सा धक्का मारो मुझे, तो मैं उसकी रीजनिंग पर आहिस्ता आहिस्ता हूँ, लेकिन अपनी तरफ से कुछ जरा लाओ तो ना, कि कॉमन ड्रेन फॉर एग्जांपल ताहिर तुमने एम्पलीफिकेशन वन गेन वन होता है ना कॉमन ड्रेन का, हमने तो ड्रेन बताया था, तो आप सोर्स। सही। चलो एक रीजन ही आ गया, मैं एक दो रीजन और सुन लूं फिर मैं। सो दैट वाज द ट्रिक पार्ट, यहाँ पे मैंने तुम लोगों को चेक कर दिया। यूनिट गेन मैंने जानबूझ के इसलिए लिखा कि ये दिस वुड मेक यू जंप क्विकली टुवर्ड्स कॉमन ड्रेन। अच्छा यहीं पे मैंने चेक कर दिया। और हाँ एग्जैक्टली, सो वो जो अगला पॉइंट है ना, दैट नेगेट्स कॉमन ड्रेन। तो ये कॉमन ड्रेन का गेन वन तो होता है, लेकिन ये कि देर इज ऑल्सो फिक्स डी सी रिलेशनशिप बिटवीन इट्स आउटपुट एंड इनपुट, इसको लेवल शिफ्टर कहते हैं ना कॉमन ड्रेन को। सही है, तो अगर यहाँ तुम लोग नजर आ रही है वीडियो? नो सर। नहीं मतलब वीडियो नहीं नजर आ रही तुम लोगों को? अच्छा मैंने शायद स्क्रीन शेयर नहीं कर ली अभी तक। राइट, लेट मी जस्ट सी। हाँ यार कर तो रहा हूँ, क्या हो गया वीडियो नहीं? जी सर अब आ रही है। अच्छा तो कॉमन ड्रेन सही है, कॉमन ड्रेन बनाता हूँ, पीमोस बना देता हूँ। फॉर सिंप्लिसिटी रेजिस्टिव लोड आर सोर्स सप्लाई, नजर आ रहा है लिखा हुआ? जी सर। किस चीज के बराबर होता है वी आउट, अगर इसकी ओवरऑल इक्वेशन लिखो तो? वी इन प्लस वी टी एच प्लस जो भी करंट यहां से फ्लो कर रहा है, टू आई डी ओवर के एन। सही है, सो दिस इज there is a very very fixed DC, agar isko even if I try to ignore this part ki ID is small to ye negligible hai, but this part is definitely not negligible, and this is the reason ke hum jo hai common drain ko level shifter kehte hain, so it shifts the DC level. sahi hai, to isme maine ye jo chakkar diya tha
वो यही दिया था कि एवी जो है वो वन चाहिए। अब देखो कॉमन सोर्स को कोई मजबूर नहीं कर रहा कि आप उसका गेन वन नहीं ला सकते, या कॉमन गेट को कोई मजबूर नहीं कर रहा कि आप उसको वन नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? फॉर एग्जाम्पल अगेन टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट नॉट 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 द साइन, तो इसका क्या होता है गेन कॉमन सोर्स का जी एम आर डी। अब द वे आई कैन प्ले अराउंड कि मैं जी एम की वैल्यू कुछ ऐसी लाऊं और आर डी की वैल्यू ऐसी लाऊं कि वन आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आई कैन कम अप विद वन मिली फॉर जी एम एंड वन किलो ओम फॉर आर डी, गेन ऑब्वियसली इसका वन आ जाएगा। तो ये आप मजबूर नहीं है, ऑब्वियसली कॉमन सोर्स का फायदा ये होता है कि आप उससे ज्यादा गेन अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कम गेन अचीव करना चाह रहे हैं किसी एप्लीकेशन में तो आपके हाथ बंधे हुए नहीं है, यू कैन ऑलवेज प्ले अराउंड विद दिस फैक्ट। फिर दूसरी तीसरी चीज यही ये चीज फिर कॉन्ट्रडिक्ट कर सकती थी कॉमन गेट के साथ, कॉमन गेट का भी फॉर्मूला ये होता है उस पर वन आ सकता था। तो उसको हटाने के लिए आई मेंशन के वी वांट आर इन विच इज ईदर हाई और इनफाइनाइट कुछ इस टाइप का था, सही है। तो वो फिर कॉमन गेट हट जाता है, तो कॉमन ड्रेन इसकी वजह से हट गया, कॉमन गेट इसकी वजह से हट गया और बीच में आपका कॉमन सोर्स बचा, तो ये हो गया। अच्छा दूसरा सवाल काफी लोगों ने वैसे सही कर लिया लेकिन उसकी रीजनिंग हम कर लेते हैं डिस्कस। दूसरा सवाल था कि भाई एक कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है उसकी जो सी जी एस है, तो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर रेजिस्टिव लोड वाला बना लेते हैं अभी फिलहाल सिंप्लीफाइड। इसकी जो सी जी एस है विच इज हेयर, सही है, इज एक्टिंग लाइक एन अनवांटेड पैरासिटिक कैपेसिटेंस फॉर अ पैरासिटिक फॉर अ कैपेसिटिव सेंसर रीड आउट इन अ कांस्टेंट चार्ज वोल्टेज रीड आउट कॉन्फिगरेशन। अब इसका स्क्रीन नहीं आ रही, अच्छा अब आ रही है जी सर, आवाज जी सही है। तो ये मैंने बना दिया अगर कॉमन सोर्स सिंप्लीफाइड वर्जन इसका, दिस इज हेयर आर डी, ये हो गया ट्रांसकंडक्टेंस, ये हो गया वी इन, ये हो गया वी आउट। तो इसमें बात की हो रही है भाई ये जो सी जी एस है ना ये तंग कर रही है और एक कोई रीड आउट लगा हुआ है। अब वो रीड आउट कहाँ है? ये खुद ही रीड आउट है किसी तरीके से, सही है। ये जो एम्पलीफायर है आपका, आप किस तरीके से कर रहे हैं अभी हम इस सवाल में उस डिटेल में नहीं फंसे, हमने कहा ये इस रीड आउट को तंग कर रही है इसकी जो सी जी एस, सही है। अब इसको इफेक्ट को कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? दो तीन ऑप्शन से इसकी जी एम बढ़ा दूँ, सही है। तो जी एम बढ़ाने के लिए क्या करोगे भाई? एक तो इसका डब्ल्यू बाय एल बढ़ा सकते हो, दूसरा इसका करंट बढ़ा सकते हो, दूसरा इसका ओवर ड्राइव कम कर सकते हो और फिक्स करंट इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो और ओवर ड्राइव को कम कर दो, जी एम बढ़ गई। क्या इससे पैरासिटिक का इफेक्ट कम होगा? सही है। तो अभी फिलहाल जो हम जिस स्कोप ऑफ थिंकिंग से अपने आप को लिमिट हमने किया है टूवर्ड सेकेंड थर्ड ऑर्डर इफेक्ट कम हो सकता था, लेकिन दिस राइट नाउ हम अभी इस एंगल को नहीं, ना हमने पढ़ा है ना हम देख रहे हैं। तो जीएम के बढ़ाने से इसका पैरासिटिक का इफेक्ट कम नहीं होगा और ये जितना सिग्नल ही खा रही थी उतना ही सिग्नल अभी भी खाती रहेगी, सही है। दूसरा क्या था कि भाई अब करंट बढ़ा दूं, अच्छा करंट बढ़ाने से भी क्या होना था कि इवेंचुअली यहाँ का लेवल शिफ्ट हो जाना था, डीसी इसकी जीएम बढ़ जानी थी, अगेन जीएम बढ़ा के हम देख चुके कोई फर्क नहीं आ रहा। तीसरा शायद एक ऑप्शन ये था कि आप डब्ल्यू बाय एल बढ़ा दें, तो वो डब्ल्यू बाय एल बढ़ाने से भी हमने देखा कि उल्टा नुकसान ही होगा, डब्ल्यू बाय एल बढ़ने से ओवरऑल जो एरिया है विच इज दिस ऑफ अ ट्रांजिस्टर सी जी एस का, अगर तुम लोग फॉर्मूला याद करो सी जी एस obviously when we are talking about an amplifier so this transistor is in saturation, ठीक है। तो सी जी एस क्या हुआ करती थी saturation में 2/3 pinch off हो चुका है, सी जी डी डूब चुकी है, 1/3 हो चुकी है, 2/3 of C oxide into the area of the device जो आपने खुद से select करा है। ये शुरू में जाओ जब हमने analog के first course में हमने area sorry capacitance को पढ़ा था, तो अगर इन इनको बढ़ाओगे W by L को, ऑफ कोर्स ये तो CGS और बढ़ जाएगी और ये और सिग्नल खाएगी।
आखिरी ऑप्शन ये था कि W बाय L के प्रोडक्ट को आप कम करें, तो सही जवाब यही है कि W बाय L को प्रोडक्ट करने से कम करने से CGS कम हो जाएगा और ऑफकोर्स वो जो पैरासिटिक इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। तो ये ज्यादातर लोगों ने इसको तो कुछ काबू कर लिया इस सवाल को। तो अच्छा फिर तीसरा क्वेश्चन है कि एक बूट स्ट्रैप रीड आउट टोपोलॉजी है जिसमें के सबस्ट्रेट टर्मिनल जो है सेंसर का वो आउटपुट पे कनेक्टेड है, जो भी आपका सिस्टम है ये बूट स्ट्रैप टोपोलॉजी है। यहाँ पे कोई सिस्टम है यहाँ पर आपका जो सेंसर अभी तक हमने देखा है इस तरीके से। सर, हाँ, वीडियो फीडबैक नहीं आ, फिर स्क्रीन नहीं नजर आ रही। अच्छा ये मैं जैसे ही स्विच करता हूँ शायद ये इधर से वीडियो रोक देता है। तो यहाँ पर आपका ये रीड आउट टोपोलॉजी है, रीड आउट सर्किट है, व्हाटएवर, ये जाता है, ये आउट है इसका, ये आउट जो है बूटस्ट्रैप हुआ इधर सेंसर के सबस्ट्रेट पर आकर। मुझे दोबारा देखने दो सवाल, ठीक है। अब हाँ, अब ये के हमने, अबे यार, अब हमने क्या किया है कि हम अभी तक जो हमने बूटस्ट्रैप टोपोलॉजी पढ़ी है उसमें यहाँ पर a इक्वल टू वन पढ़ा है, सही है, और आज तक हमारे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि why are we so quick in jumping towards a unity gain amplifier, मतलब हम क्यों नहीं फायदा उठाते हायर गेन का किसी एम्पलीफायर का। चलो एक तो बात ये है कि वी नीड इन फेज आउटपुट, तो यहाँ कॉमन सोर्स नहीं रख सकता क्योंकि कॉमन सोर्स आउट ऑफ फेज कर देता है। लेकिन फर्ज करें कि आप दो कॉमन सोर्स लगा रहे हैं, कॉमन सोर्स यहाँ वी इन, यहाँ माइनस ए वी इन, और एक और कॉमन सोर्स यहाँ आया ए स्क्वायर वी इन, दो माइनस मिलकर यहाँ भी नेगेटिव था, यहाँ भी नेगेटिव था गेन, तो दो नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो गए। तो हमने आज तक ये अपने आप से सवाल नहीं करा कि why we were too quick to jump to this fact कि वाह 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 बूटस्ट्रैप ने गेन वन लगाए और बूटस्ट्रैपिंग ने जो है वो पैरासिटिक्स को मिनिमाइज कर दिया। और आपने अगर सर्च कराओ तो देखा होगा कि मेरा एक इस पर यूरोपियन और यूएस पेटेंट भी है इसी टोपोलॉजी पर, तो पेटेंट करने वालों ने भी और पेपर छापने वालों ने भी एतराज नहीं उठाया कि यार चलो गेन वन के साथ तो बहुत अच्छा पैरासिटिक कंपनसेशन हो रही है, जरा गेन तो बढ़ाओ, हो सकता है कुछ ज्यादा बेहतरी आ जाए। तो मैंने आपको गेन बढ़ा के सवाल दे दिया, मैंने कहा आप ऐसा करें कि आप ए इक्वल टू टू लगा दें जरा, और उसके बाद जरा बताएं कि सर्किट जो है वो जब ए वन था उसके मुकाबले में बेहतर हो गया, उसके मुकाबले में खराब हो गया, या सर्किट चलने ही बंद हो गया। तो इसमें भी काफी लोगों ने तुक्का तो लगा लिया है, मैं दो तीन नाम लेता हूँ जिनका ये सही है, तो वो मुझे अपनी जरा रीजनिंग एक्सप्लेन करें कि ये कैसे इन्होंने किया है ये सवाल। क्वेश्चन थ्री फॉर एग्जांपल, सिर्फ दो लोगों का गलत है बाकी सबका सही है, तो मैं ये बता देता हूँ कि इनका दो का गलत है वो ना बोलें, बाकी एवरीवन एल्स कैन फील फ्री। फॉर एग्जांपल फहद बिन नासिर का गलत हुआ है ये सवाल, और ये कौन है क्वेश्चन थ्री थर्ड फ्रॉम द बॉटम, मिस आयशा कुरैशी का गलत हुआ है, सही है। तो इनके अलावा बाकी जो लोग हैं जरा ट्राई टू एक्सप्लेन कि क्या कैसे जवाब दिया इसका। सर, वाई वन टर्म इज बूटस्ट्रैपिंग का जो फॉर्मूला था ना उसमें डिनोमिनेटर में होता है सी नॉट प्लस वन माइनस ए इनटू सीपी टू, तो अगर ए जो है वो इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम वन टू टू हो जाता है तो वन माइनस टू विल बी नेगेटिव, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा सी नॉट माइनस सी पी टू, तो उसकी वजह से जब वो नेगेटिव हो जाएगा और हमें पता है सी नॉट स्मॉलर होता है देन सी पी टू, तो फिर नेगेटिव साइन ओवरऑल आ जाएगा वी नॉट जो चलेंगे। गुड गुड, एक एक रीजनिंग ये हो गई जो कि मैथमेटिकल इक्वेशन से निकली है। एनीवन एल्स? सर, बूटस्ट्रैपिंग का बेसिकली मकसद हमारा ये है कि हम किसी तरह से पैरासिटिक कैपेसिटेंस को खत्म कर दें, तो इसके लिए जब हमारे पास दोनों नोड्स पे वोल्टेज सेम होगी तब कैपेसिटेंस खत्म हो सकती है हमारे पास, इसलिए ए इक्वल्स टू वन रखते हैं। राइट, दैट मेक्स सेंस। ये बात चलो समझ में आ रही है।
इसका भी चलो एक काउंटर आर्गुमेंट है. इज देयर एनीवन एल्स जिसने कोई और डिफरेंट आर्गुमेंट लगाया है? चलो तो अगर मैं एक मैथमेटिक्स की तरफ थोड़ा सा पहले देखता हूँ, तो जो मेरा वी आउट का एक्सप्रेशन था इन अ बूटस्ट्रैप कॉन्फ़िगरेशन, अभी सिंगल टर्मिनल यहाँ पर वी भी लगा देते हैं, टू टी की नहीं बात करते, सो इट वॉज समथिंग लाइक सी एम वी बी, हियर आर सी एम सी एम, एंड देन इट यूज टू बी सी नॉट, और इसको मैं कर देता हूँ सी पी वन. Then let's call it CP2. सही है, तो it used to be 1 minus A CP2 आया था हमारे पास. तो अब अगर तो A 1 के बराबर होता था तो CP2 को ले डूबता था. अच्छा, अब जो मैथमेटिकली अगर आप इधर एडवांटेज उठाने की कोशिश करें तो हम क्या कर सकते हैं, यार हम कोई A ऐसा ले आए कि CP2 खुद तो जाए जाए, C0 को भी ले डूबे. तो मैथमेटिकली हमें क्या नजर आता है कि हम ऐसा काम कर सकते हैं सी एम वी डी ओवर सी नॉट, और यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा. तो ए को हमने टू कर दिया, वो वन माइनस टू जो है माइनस वन आया, और सी नॉट माइनस सी पी टू, ये तो बहुत जबरदस्त सिचुएशन आ गई. ये सी पी टू तो सी नॉट से सब्ट्रैक्ट होने लग गया और ये एक दूसरे को जो है तबाह करके बहुत ही मतलब अच्छा जो है जो है ऊपर मतलब बूस्टेड बाय दिस स्मॉल फैक्टर सही है आने लग गया. तो ये तो मैथमेटिकली तो हमें लग रहा है कि ए को टू करने से फायदा है. हाँ, अलबत्ता ये जो एक बात अब पता नहीं दूसरे मैं फिर नाम फॉलो नहीं कर पाया, दूसरा जो आर्गुमेंट आया था वो यही था कि यार हम इसके गिर्द वोल्टेज मिनिमाइज करके बूटस्ट्रैपिंग, दैट्स द फिलॉसफी. लेकिन हमें यह नजर आ रहा है कि अगर हम यहाँ वोल्टेज बढ़ा दें तो नेगेटिव वोल्टेज जो है वो सी नॉट को भी नलिफाई कर रहे हैं. सही है, तो मैथमेटिक्स और वो दोनों आर्ग्यूमेंट जो हैं, हमें तो मुझे तो ये लग रहा है अभी इधर देखकर कि ए इक्वल टू टू करने से तो हमारा जो पेटेंट रिव्यू करने वाले लोग थे वो भी मिस कर गए, पेपर छापने वाले भी मिस कर गए, तुम लोग भी मिस कर गए, मैं भी मिस कर गया यार. पिछले कब छपा था मेरा ये, 2006 में या 7 में छपा था. So it's been almost 15 years कि मैंने देखा ही नहीं, ये तो सर्किट बहुत बेहतर हो सकता है. LCS कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? लीनियर कंट्रोल सिस्टम नहीं पढ़ा हुआ तुम लोगों ने? पढ़ा हुआ सर, वो कोर्सेज में आता है. सभी ने मेरे ख्याल में पढ़ा हुआ होगा, या जिसने नहीं पढ़ा हुआ है वो बोले. हैं ऐसे लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा है? चलो नहीं है कोई, तो सबने पढ़ा है. सही है, तो एक चीज होती है यार वो कहलाती है नेगेटिव फीडबैक, जो तुम लोग मेरे बारे में देते फिर तो एक चीज होती है पॉजिटिव फीडबैक. सही है, तो कुछ याद आ रहा है कि कौन सा सिस्टम स्टेबल होता था, विच हैड नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक? तो उसको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आता था मतलब सिस्टम को, वरना तो हर लूप में वो अनस्टेबल हो जाता अगर पॉजिटिव हो. हाँ, मतलब ये बिल्कुल जैसे वो होता है ना कि किसी स्टोरी की सब डिटेल्स भूल गए और उसका जो है ना बस सेंट्रल आइडिया याद है. तो कोई कोई डिटेल तो बताओ क्या होता था. चलो LCS की टर्म्स में, पोल्स की टर्म्स में बता दो कि नेगेटिव फीडबैक की वजह से पोल्स किस तरफ चले जाते हैं. लेफ्ट साइड कौन क्यों स्टेबल हो जाता था सिस्टम, कौन सा रिस्पांस उसका एक्सपोनेंशियली डिकेइंग रिस्पांस हो जाता था? सर इसका रूट लॉकर जो है वो लेफ्ट हाफ प्लेन में मूव कर जाता था और पॉजिटिव का जो है वो उसको राइट हाफ ले जाता, इसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जाता. हां, रूट लॉकर थोड़ा सा मतलब एक ये कि जरा बड़ा एनालिसिस है to prove that a system is stable. वो यही है कि उसके डायनेमिक पूरा हर बाउंड्री कंडीशन पर जो है देखने के लिए. There are simpler ways to see. ये एक्सप्लेन बना दिया मैंने, ये आपका लेफ्ट हैंड
साइड है सर, वो पेज नीचे हो गया है काफी, पेज नीचे हो गया है, ये एस प्लेन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये इस एक्सिस पे क्या होता था भाई? जे ओमेगा, ओमेगा राइट, इस एक्सिस पे क्या होता था? सिग्मा, सिग्मा, ओवरऑल सिस्टम का रिस्पांस है वो क्या होता है भाई? सिग्मा प्लस जे ओमेगा, अच्छा हाँ नहीं नहीं सही कह रही, ये तो हो गया भाई स्टेडी स्टेट साइनसोइडल रेस्पॉन्स, सही है। व्हाट इज दिस? ये वो रियल पार्ट है आपके पोल का, ये तो इमेजिनरी पार्ट है ना, पोल ऊपर कितना है नीचे कितना है वगैरह वगैरह, सही है। रियल पार्ट क्या है जो ये बता रहा है, इधर हैं आप इधर हैं, अगर पोल इधर है और ये रियल पार्ट पॉजिटिव है तो ये तो एक्सपोनेंशियल, इट वुड जस्ट कीप ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोइंग। ये सिस्टम क्या, सिस्टम ने अगर ऐसे हिलना था साइनोसॉइड पे तो ये साइनोसॉइड ऐसे 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 और फिर सैचुरेट होगी, या ऐसे 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 इधर सैचुरेट होगी। अब आपको अपना जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो या तो प्लस 5 वोल्ट पे टिका हुआ नजर आ रहा है, माइनस 5 वोल्ट पे, फॉर एग्जांपल। दिस हैज टू बी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, दिस ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, सही है। सो जब तक आपका पोल इधर है लेफ्ट हाफ साइड पर है, सो दिस इज गोइंग टू बी ई माइनस सिग्मा टी। अभी टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, व्हेन आई प्लॉट ट्रांजिएंट, टाइम आगे बढ़ रहा है, ये जो एक्सपोनेंशियल है दिस इज डाइंग, बच क्या रहा है, ये बच रहा है। सो द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इज योर स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो ये आपका ये तो हो गया एलसीएस की टर्म्स में, सही है कि पोल्स इधर हो गए, पॉजिटिव फीडबैक के पोल्स इधर आ गए, नेगेटिव फीडबैक के पोल्स इधर आ गए, सही है। तो द मोर सिंपलर एक्सप्लेनेशन इज के पॉजिटिव फीडबैक किस चीज को कहते हैं, आउटपुट उठाया दोबारा इनपुट में जमा कराया, सही है। तो अगर आप आउटपुट उठा के इनपुट में जमा कराया, फॉर एग्जांपल 1 थी इनपुट और गेन से मल्टीप्लाई होकर 10 आती थी, आपने 10 दोबारा जमा करा दिया, अब इनपुट हो गई 11, 1 तो पहले ही थी, अब 11 हो गई, अब 11 10 से मल्टीप्लाई हो गई वो 110 हो गया, अब आपने वापस 110 जमा करा दिया, अब 11 में 110 जमा हुआ 120 हो गया, अब वो फिर 10 से मल्टीप्लाई हुआ वो जनाब वो तो 1200 हो गया, तो 1200 तो अब आप क्या कर रहे हैं, गोइंग टूवर्ड्स सेचुरेशन। इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता आप या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आप सेचुरेट कर जाएंगे। सो पॉजिटिव फीडबैक जो है वो सिर्फ स्टेबल होता है लेस देन इक्वल टू गेन ऑफ 1, दिस इज अ पॉजिटिव फीडबैक। यहाँ से यहाँ इनपुट एंड आउटपुट आर इन फेज, गेन इज प्लस, सही है, दे आर इन फेज एंड वी आर टेकिंग आउटपुट बैक टू अवर इनपुट, सो दिस इज अ फीडबैक, दिस इज पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक इज ओनली स्टेबल when the loop gain is less than 1. देखो ये भी वही चीज है जो कि बेसिकली तुम लोग LCS में पढ़ चुके हो। अच्छा फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें सिस्टम सेचुरेट हो जाएगा, तो ये इसका सही आंसर ये था जो कि तुम सब लोगों ने सही लगाया, लेकिन अब वो रीजनिंग थोड़ी सी हट करे। सो फोर्थ is okay fine, तो fourth जो question है वो ये है कि भाई कोई circuit है, कोई circuit है, there is a pull up, उस pull up device there is a PMOS, वो supply line पे लगा हुआ है, इस supply line पे noise है और यहाँ ये रहा output, सही है। अब ये जैसे भी bias है we don't really care, output पर ये noise appear हो रही है, तो हम इस नॉइज को अपेयर होने से कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं इसका इफेक्ट। पहला ऑप्शन ये था कि इसका जीएम बढ़ा दिया जाए, दूसरा ऑप्शन ये था कि इसका जीएम कम कर दिया जाए, तीसरा ऑप्शन ये था कि इसकी जगह एक एनमॉस लगा दिया जाए। तो ये भी अगर मैं देखूं तो है कि काफी लोगों ने सही किया है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4, नहीं ये कोई दो लोगों ने सही किया है, जिसमें एक अरसलान है, एक थर्ड इज
मिस आयशा कुरैशी, सही है। तो बताओ भाई तुम लोग जरा, मोहम्मद अरसलान, नहीं मोहम्मद अरसलान का सही नहीं है ये, सॉरी ये सही है अबू बकर का सही है, और मिस आयशा कुरैशी का सही है। सो आप दोनों ट्राई करें एक्सप्लेन करने की कि क्या क्या रीजन थी इसके पीछे। सर मेरा तो ये अटेम्प्ट ही नहीं हुआ मेरे ख्याल में। यार इधर वन आया हो तुम्हारा, किस तरीके। अबे नहीं यार सॉरी, मोहम्मद अरसलान का ही सही है। अरसलान तुम बताओ। चलो अरसलान कहीं गायब हो गया, तो मैं आयशा आप बताएं फिर। सॉरी आवाज या तो डिले आ रहा है या बिल्कुल ब्रेक हो रही है। एक दफा रिपीट करें। अच्छा आवाज शरीफ ब्रेक हो रही है मेरे पास, तो तुम लोगों मेरी आवाज साफ आ रही है जी सर। आगे। चलें सही सही, तो इसका चलो मैं फिर बताता हूँ, आप मुझे आवाज नहीं आ रही साहब। तो आइडिया है इसके, इफ यू लुक, अच्छा ये बात हमारी हो चुकी है जब हमने PSRR को डिस्कस करा था एनालॉग वन में, सही है। PSRR में हमने देखा था कि गेन फ्रॉम सप्लाई टू आउटपुट, दिस गाय इज बिहेविंग लाइक अ कॉमन गेट एम्पलीफायर। यहां से इनपुट आ रही है, सप्लाई आउटपुट ले रहे हैं, इसको आप बायस समझ लें अभी फिक्स। तो इसका जो गेन है वो बराबर हो रहा है, यहाँ पर जो भी आर आउट नजर आ रही है, तो नॉइस का जो गेन है मतलब बी आउट एन अगर मैं लिखूं तो वो बराबर हो रहा है कि इसकी, और इसको अगर मैं GMP कह दूं, PMOS, तो GMP इनटू आर आउट। तो अब जाहिर है ऑब्वियसली यहाँ से साफ नजर आ रहा है कि अगर आउटपुट पर नॉइस का इफेक्ट कम करना है तो हमें GM को कम करना होगा। एनमॉस उधर लगाने लगा कर चले गई नहीं, उस सर्किट ही बैठ जाएगा। तो एनमॉस तो मैंने खाली आपको ऐसे ही तंग करने के लिए एक ऑप्शन दे दिया था। फाइन, सो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ अब ये था कि एक रेजिस्टर है सर्किट में। सर जी, सर ये वाला दोबारा रिपीट कर दें। हाँ इसको या तो मैं साफ सुनाऊं, शायद समझ में आए। तुम लोगों को PSRR वाली डिस्कशन याद है जब हमने ये सारा एनालिसिस करी थी एक एम्पलीफायर की, एनालॉग IC1 में। हाँ ये एम्पलीफायर कौन सा एम्पलीफायर है? मतलब एनीवन केयर्स टू पुट अ नेम टू दिस एम्पलीफायर? कॉमन सोर्स विद एक्टिव कॉमन लोड। सोर्स विद करंट सोर्स लोड। यस गुड, तो पी मॉस करंट सोर्स लोड, अगर बिल्कुल बात पूरी करनी है। राइट, स्मॉल सिग्नल गेन किसके बराबर है? माइनस जीएम आर नॉट वन पैरेलल विद आर नॉट टू। गुड ये हो गया इन टू आउट गेन। ये किसके बराबर है? अब आप इसको ऐसे देखें, यहां से देखें कि यहां इनपुट है विच इज नॉइज, और यहां से इनपुट जो है यहाँ आउटपुट पे अपेयर होनी। जब हम इसको कंसीडर कर रहे हैं सो वी वुड अज्यूम कि देर इज नथिंग एसी हैपनिंग हियर। यहाँ पर जब डीसी लगा हुआ है विच इज वी इन, तो दिस टर्न्स इनटू अ बायस, तो ये एक बायस बन गया। और ये चीज अगर आप कॉमन गेट को, क्योंकि ऐसे देखते आए ज्यादा आपको आदत है, कॉमन गेट ये सोर्स है और यहां से इनपुट आ रही है और उसके ऊपर एक लोड करंट सोर्स, ये करंट सोर्स लोड में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ एक डीसी बायस है खाली, तो
इसकी गेट पे डीसी है, यहाँ से आउटपुट है, दिस इज द करंट सोर्स लोड, इस पर एसी आया हुआ है इसकी सप्लाई लाइन पर, और यहाँ कॉमन गेट कैसे बन रहा है, सोर्स पे इनपुट है, ड्रेन पे आउटपुट है, गेट पर आउटपुट है, डीसी लगा हुआ है, और इसको ऐसे देखते हैं तो गेन फ्रॉम सप्लाई टू आउटपुट इज नथिंग बट जीएम टू आर नॉट वन पैरेलल टू आर नॉट टू. फिर हमने एक टर्म निकाली थी पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशो, क्या था कुछ याद है? कुछ तो याद होगा यार सर, वो डिफरेंशियल गेन डिवाइड होता था बीडीडी के गेन से कुछ. सो दिस इज समथिंग लाइक, दो दो तरीके से देखते हैं लोग इसको. एक जो कन्वेंशनल पर्सपेक्टिव है वो ये है कि आप उसको इनपुट टू आउटपुट गेन का रेशियो लें, आप सप्लाई टू आउटपुट से सही है, एंड देन दिस हैज टू बी वेरी हाई, लाइक दिस हैज टू बी 10 की पावर, मतलब 10,000 से लेकर 1 मिलियन तक होना चाहिए. सो ये कितना होता है भाई? ये होता है तकरीबन आपका, आपने देखा ही है कि छोटा मोटा आप एम्पलीफायर बना रहे हैं, 1,000 से लेकर 10,000 तक गेन आप ले ही आते हैं स्मॉल सिग्नल हमारे कूटे, एंड दिस हैज टू बी स्मॉलर देन वन. अब इसको अगर स्मॉलर देन वन करना है, एंड दिस हैज टू बी सीरियसली स्मॉलर देन वन. Why? Because this guy is pretty large and this guy is the same thing here. सही है, तो अगर equation निकालूं तो क्या निकलेगी? Equation निकलेगी GM1 divided by GM2. Let's forget the negative sign for now. सही है, तो this has to be much larger than this. सही है, तो अगर आपने अच्छा power supply rejection ratio लाना है, power supply rejection ratio दूसरा नाम यही है कि आउटपुट पे आप सप्लाई नॉइज को मिनिमाइज करें. घूम फिर कर हमने यहाँ पर इस तरफ वाले सर्किट को वाइप कर दिया था, हमने कहा था वी डोंट केयर, यहाँ पर एक सप्लाई नॉइज है, यहाँ पीमोस के थ्रू आ रही है, हमने ये भी बता दिया था कि जब पुल अप पीमोस आउटपुट पे कम करो तो आपको पता है कि रास्ते से पीमोस से गुजरते हैं उसके जीएम के थ्रू गुजर रही है, तो जीएम आप कम कर देंगे तो आउटपुट पे जो कि इक्वेशन बता रही है आउटपुट तक पहुंचने में GM2 जो कि इसका PMOS का रोल है, जाहिर है आउटपुट पर उसका इफेक्ट कम हो जाएगा. सो इस क्विज के दो तीन मकासद थे, जाहिर है एक तो ऑब्वियसली यही था कि क्विज जाहिर है लेना है और एक मतलब वो करना है. दूसरा देखो फिर मेन मकसद यही था कि तुम लोगों को ये बताया जाए कि कितनी इंटरलिंक्ड हैं चीज़ें. तुम्हें अभी ये नज़र आया कि हमने बूट स्ट्रैपिंग में हमने बात ही नहीं करी थी, मैंने जिक्र ही नहीं करा था पॉजिटिव फीडबैक का, इससे पहले मैंने नाम लिया था, लेकिन तुम देखो कि जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमें मैथमेटिक्स में नज़र आया कि यार अगर मैं सिर्फ टू कर दूँ इसको तो मैथमेटिक्स तो ये अज्यूम करके चलिए ना कि सिस्टम इज नॉट सैचुरेटेड, सिस्टम इज स्टेबल, तो मैं अगर सिर्फ इसको टू कर दूं तो ये तो उसको सी नॉट को भी माइनस कर देगा. और उस वक्त हमारी हेल्प किसने करी? एलसीएस ने हेल्प करी, उसने बताया भाई आपका सिस्टम ही अनस्टेबल नहीं रहेगा, थोड़ी देर बाद सैचुरेट हो जाएगा. दिस इज अ डायनेमिक जो कि अभी मैथमेटिक्स कैप्चर नहीं कर रही है, क्योंकि आप तो एक स्टैटिक एनालिसिस एक फिक्स ऑपरेटिंग पॉइंट पर रख के एनालिसिस आप कर रहे हैं, आप कहाँ देख रहे हैं अभी बाउंड्री कंडीशन. सही है, तो एलसीएस आया, फिर तुम लोगों ने देखा कि पुराने एम्पलीफायर्स की कॉन्फ़िगरेशन, हमने कहा कैपेसिटिव लोड में ये वो कौन सा तंग कर रहा है, सीजीएस हटाना है, ये करना है, वो करना है. तो मैं बार बार तुम लोगों को पहले भी कहता रहा हूँ और अब फिर यही कह रहा हूँ कि AICD1 के बगैर एक तो मामला नहीं चलना. AICD1 में हमने मुख्तलिफ चीज़ों से कनेक्टिविटी जिनसे बनाने की कोशिश करी थी, अरे मैं तमाम पूरे अंडरग्रेड के कोर्सेज तो नहीं रिव्यू करा सकता, उसमें हमने E1 E2 इलेक्ट्रॉनिक्स 2 इलेक्ट्रॉनिक्स 3 तीनों चीज़ों से जो है वो हमने फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स 3 पढ़ा हुआ हो, जिन लोगों ने ऑसिलेटर्स पढ़े हुए हों,
अब जैसे कल तुम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेरे पीछे लगी हुई थी कि तुम लोगों को प्रोजेक्ट में मैं ऑसिलेटर्स कराऊं। अब जिन लोगों ने ऑसिलेटर्स अंडर ग्रेड में पढ़े हों, I don't know कि पढ़े हैं कि नहीं, बहरहाल जो कीट के हजरात हैं उन्होंने तो पढ़े हैं। सो वाइन ब्रिज, मे बी सम पीपल रिमेम्बर इट, वाइन ब्रिज ऑसिलेटर। सही है। किसी तरीके से मल्टी वाइब्रेटर्स, ये भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स 3 जो है, जो स्टैंडर्ड कर्रिकुलम है उसके अंदर आता है। पॉजिटिव फीडबैक इज एक्चुअली द एलिमेंटल पार्ट ऑफ ऑसिलेटर्स। व्हाई? क्योंकि यू वांट सिस्टम टू सैचुरेट। पहले सिस्टम यहाँ बैठा है, आप उसे धक्का मारते हैं, भाई ऊपर जा, यहाँ सैचुरेट हो। थोड़ी देर के बाद वो सैचुरेट हुआ बैठा है, होता है, तो आप उसका किबला चेंज कर देते हैं, यहाँ नीचे आओ और इधर सैचुरेट हो, यहाँ सैचुरेट हो जाता है, फिर किबला चेंज। सो दिस इज एन ऑसिलेटर्स आउटपुट, अ सैचुरेटेड सिस्टम, अ सैचुरेटेड सिस्टम। इसको कहते हैं बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या है? इसकी दो स्टेबल स्टेट्स, यहाँ आके बैठ जाता है जब तक आप धक्का नहीं मारते, इंटरनली मारते हैं धक्का ऑब्वियसली, फिर एक अलग, देन देयर इज अनदर स्टेबल स्टेट। सही है। इसी तरीके से होते हैं मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, क्या होता है? देयर इज ओनली वन स्टेबल स्टेट, इसमें बैठा रहेगा, इसमें नहीं हिलेगा, कोई तकलीफ नहीं। हाँ, यहाँ आप लेकर गए, थोड़ी देर के बाद यहाँ से खुद निकल के ना वापस आएगा स्टेबल स्टेट में। सो दिस इज नथिंग बट अ पल्स जनरेटर। आपको एक पल्स जनरेट करनी होती है, सो यू गो फॉर नॉन लीनियर ऑसिलेटर मल्टी वाइब्रेटर। हाँ, तो ये तो हो गई स्क्वायर वेव, नॉन लीनियर, स्क्वायर वेव, नॉन लीनियर। हाउ डू यू जनरेट अ साइन वेव? सो यू गो फॉर अ लीनियर ऑसिलेटर। लीनियर ऑसिलेटर में कौन है भाई? वाइन ब्रिज है, और भी बहुत सारी टोपोलॉजीज हैं। सही है। उसमें पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक मिलके चल रहा होता है। सो ये जो इस टाइप के सर्किट्स हैं जिसमें पॉजिटिव फीडबैक एम्प्लॉय होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक 3 में बहरहाल मतलब करिकुलम वगैरह का हिस्सा होता है। आई एम नॉट सो श्योर कि मुख्तलिफ जगहों पे फिर क्या हो रहा है। एम्पलीफायर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक 2 का बहुत टिका के मतलब हिस्सा होते हैं। इसमें बायसिंग और तमाम स्मॉल सिग्नल मॉडलिंग और गेन कैलकुलेशन। इसी तरीके से डिवाइस लेवल पर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में, तो अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है ना भाई, वो इस सब में ऑब्वियसली कवर हुआ हुआ है। हम तो उसको दोबारा से रिव्यू कर रहे हैं, उसको एक थोड़ा सा नए एंगल से, अप्लाइड एंगल से देख रहे हैं। फिर क्या है कि तीन हिस्से हमने कनेक्ट करके वी वेंट हियर AICD2। तो अगर तो हर लेक्चर में ये सारा जो है ना इनकम्पास करके नहीं आओगे तो स्ट्रगल करोगे, और वो स्ट्रगल जो है वो फिर आगे जाके बहुत ज्यादा तंग करेगी। मैं अपनी पर्सनल स्टोरी भी बता दूं कि मतलब मैं जब स्वीडन गया हूँ मास्टर्स करने, तो जाहिर है हमें कोई बहुत ज्यादा तमीज से किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ाई थी वहां पे। पहले तो पिछला भी कवर करना पड़ा है, वो जो आगे पढ़ा रहे थे फुल स्पीड से, वो भी जाहिर है फिर पढ़ना पड़ा है। तो वो मतलब ऐसे ही था कि मुश्किल से 3 घंटे सोए, सर्दी में बर्फ पड़ी हुई है, 3 घंटे सो रहे हैं, खिलाने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। तो जो तारे वाले नजर आते हैं वो मतलब इट्स समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, वो खाली एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है। तो मैं ही कहूंगा कि जब भी लेक्चर्स में आओ, ये तमाम चीजें जो हम टच कर चुके हैं, जाहिर है पूरा ये तीनों कोर्सेज तो नहीं पढ़ सकते दोबारा। AICD में जिन चीजों को 1 में टच किया है, AICD 2 में जिन चीजों का नाम आ रहा है वो पढ़ कर आओ। सही है। उसके बगैर इट वुड बी प्रीटी डिफिकल्ट। के मतलब कल भी जो मेरी तुम लोगों से गर्मागर्मी हुई, गर्मागर्मी तो खैर क्या हुई, मैं तुम लोगों को अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर कर रहा था, इसमें तुम लोगों का इतना कसूर भी नहीं था कल जो सिनारियो क्रिएट हुआ। लेकिन इट्स नॉट सिंपल थिंग। मतलब लोग जो है, ये 2 ट्रांजिस्टर्स हैं, मैं तुम्हें बताऊं मेरी जो पहली टास्क थी PhD की टास्क, वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, वो जो पेपर मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा वो ये टास्क थी। ये टास्क थी मेरे बॉस ने मुझे दी थी। हाँ, ये कैपेसिटिव मेम्स माइक्रोफोन के लिए बनाना था वगैरह वगैरह, ऑप्टिमाइज करना था फ्रॉम गेन, फ्रॉम बैंडविड्थ, फ्रॉम नॉइज, फ्रॉम पावर, फ्रॉम मतलब
सप्लाई नॉइस पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो ये सारी एंगल से ऑप्टिमाइज करना था, लेकिन दो ट्रांजिस्टर थे खाली। मतलब मैं तो अपने बॉस से थोड़ा सा नाराज हो गया था, मैंने कहा यार मैं तो बहुत काबिल आदमी हूँ, इतना अजीम आदमी हूँ, गलती से आपके पास आ गया हूँ, आप मुझे दो ट्रांजिस्टर के सर्किट दे रहे हैं खाली। तो वो उसने कोई मुस्कुरा के देखा और यही कहा कि जाओ बेटा ऑप्टिमाइज करो जरा सा। मैं चला गया अगले दिन ऑप्टिमाइज कर गेन के लिहाज से, गेन तो सही है बैंडविड्थ डुबो दी, अच्छा चलो दो तीन दिन और ऑप्टिमाइज करा, बैंडविड्थ गेन दोनों सही हो गए, वो सब तो सही है भाई, नॉइज अब बहुत बढ़ गई सही, अच्छा चलो एक हफ्ते में तीनों चीजें हो गई, वो सब तो कर दिया, नॉइज कम कर दी, इतनी पावर थोड़ी पावर बजट नहीं है, अब लगे हैं, अब महीना गुजर गया चार चीजों बैलेंस करने में, और वो आपको देख के मुस्कुरा रहा है आपका बॉस के अब इनको आटे दाल का बहुत पता चल रहा है। बहरहाल महीना गुजर गया, आप किसी तरीके से टक्कर वक्कर मारे कर गए, जब आप गए उसके बाद पांचवी दफा उसने जब जैसी गया एक और चीज, तो आप ऐसे कहने लगे बस अब मजाक खत्म, तो मतलब आपको समझ में आ गया कि इट्स नॉट जस्ट क्यों फर्क है। देखो ये फर्क है, इस वेव फॉर्म को थोड़ा सा ना मतलब यू वुड रियली हैव टू लुक एट इट केयरफुली। डिजिटल कहाँ एग्जिस्ट करता है, डिजिटल इन दो स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, दिस इज बाय स्टेबल स्टेट नंबर वन विच यू कॉल इज लो और जीरो और वट एवर, दिस इज बाय स्टेबल स्टेट नंबर टू सही है विच इज हाई और वन और 5 वोल्ट और जो भी उसको कहते हो। डिजिटल कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ और यहाँ, देयर इज अ ह्यूज वोल्टेज डिफरेंस टिपिकली, मतलब अब तो खैर बड़े लो वोल्टेज सर्किट्स अभी हम हमारी औकात में हमारी नहीं, लेट्स से 5 वोल्ट, तो 0 वोल्ट 5 वोल्ट देयर इज अ ह्यूज नॉइज मार्जिन। बीच में अगर कुछ हो भी जाता है ना जरा से, ये यूं सा हो जाता है, यूं हो जाता है, इट्स स्टिल हाई, लो रहे रहते रहते थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, स्टिल लो, सो देयर इज अ ह्यूज नॉइज मार्जिन। आप लॉजिक लेवल पे खेल सकते हैं, आप कहते हैं दिस इज लॉजिक हाई, दिस इज वन, दिस इज जीरो, अब आई डोंट केयर कि वोल्टेजेस में क्या हो रहा है। सो आपने दो स्टेट्स डिफाइन कर दी बस इससे ऊपर, सो दिस इज क्वांटाइजेशन। आपने अब आप देखते ही नहीं पूरी वेवफॉर्म को, एनालॉग का है, एनालॉग पहले तो यहां बैठा, डिजिटल डजंट कंसर्न इटसेल्फ विद दिस ट्रांजिशन सही है। एनालॉग पहले तो ये कहता है यहां से यहां तक भैया जाना कैसे, सो हु मेक्स श्योर ऑफ दिस ट्रांजिशन सही है। तो यहां जब आप डिजिटल के इस जगह पर आकर देखते हैं, सो डिजिटल इज जस्ट अ पर्सपेक्टिव, इट्स अ क्वांटाइज्ड पर्सपेक्टिव, कि आप यहां देख रहे थे यहां देख रहे थे, आप इधर तो देख ही नहीं रहे थे, एक्चुअली एवरीथिंग इज एनालॉग। डिजिटल सिग्नल जो है वो तो आप एक पर्सपेक्टिव आप उसको आधा देख रहे हैं, आप पूरा तो देख ही नहीं रहे। सो दिस इज वेयर एनालॉग जब ट्रांजिशन की बात शुरू होती है, और भाई कितना करंट देना है, कितना स्लो रेट देना है, कितना गेन एज रेट वगैरह वगैरह, यहां पर गौर करो, दिस इज अ वेरी हाई गेन एरिया, देयर इज अ वेरी हाई स्लोप। हाई गेन किधर होता है, डिजिटल में होता है कि एनालॉग में, दिस इज जीरो गेन एरिया, दिस इज जीरो गेन एरिया, इनपुट हिले जा रही है, आउटपुट नहीं हिल रही, स्टेट नहीं चेंज हो रही, दिस इज अ वेरी हाई गेन एरिया, सो दिस इज वेयर एनालॉग पर्सपेक्टिव कम्स इन। यहाँ आप एनालॉग पर्सपेक्टिव के बगैर डिजिटल नहीं चल सकता। सेकेंड थिंग, ये आपके वोल्टेजेस कम हो गए, ये इतना ऊपर जाने की वजह सब यहीं रहे, जरा सा यहाँ से नीचे हुआ, अब आप कंफ्यूज हो गए यार इज दिस हाई और लो सही है, या नीचे आप लो पे थे और जरा सा यूं हो गया। सो अब आपका जब नॉइज मार्जिन नीचे आ रहा है विच इज कमिंग डाउन फॉर करंट टेक्नोलॉजीज, जिसमें के 0.7 वोल्ट जो है दिस इज योर सप्लाई वोल्टेज, सो डिजिटल इज नॉट डिजिटल एनीमोर सही है। डिजिटल लोगों का फायदा क्या होता है कि दे कैन क्वांटाइज देमसेल्व्स एंड टॉक अबाउट लार्जर थिंग्स एट इजियर लेवल्स, अदरवाइज इन ऑनेस्ट ट्रूथ देयर इज नो सच थिंग एज डिजिटल सही है। दिस इज जस्ट अ पर्सपेक्टिव, आप ये कहते हैं मैं देखूंगा नहीं भाई जस्ट, क्योंकि वो देयर इज समवन देयर जो कि मुझे ना ट्रांजिशन करा देगा ऊपर चले जाएगा, देन आई वुड जस्ट कॉल द स्टेट एज वन, आई वुड कॉल द स्टेट एज जीरो। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन कि जब अच्छा उसके बाद दो तीन चीजें मैं और भी बताऊं, देयर आर डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन लेवल्स। एब्स्ट्रैक्शन लेवल्स क्या होते हैं भाई, एक साहब हैं वो केमिस्ट, एक साहब हैं जो मटीरियल साइंसेज में केमिस्ट हैं, क्या करते हैं
अल्कीमिया पे काम करते हैं, सोना बनाते हैं, दो मेटल्स बनाते हैं, मिलाते हैं, उससे सोना बना देते हैं। इससे ऊपर एक साहब बैठे हैं जो इस मटेरियल को यूज करके डिवाइस बनाते हैं। अच्छा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाया, इन्होंने इन्होंने उठा के उसपे एक ट्रांजिस्टर बना दिया। उससे ऊपर एक साहब बैठे हैं जो के डिवाइस लेवल सर्किट बनाते हैं। ये कौन साहब है? ये आप बैठे हैं, ट्रांजिस्टर लेवल सर्किट बना रहे हैं, सही है आप। उससे ऊपर एक और साहब हैं जो फिर सिस्टम लेवल, मतलब वो इस डिवाइस लेवल सर्किट को उठाते हैं और एक बड़ा सिस्टम जो है ना उनको जोड़ के एक बॉक्स बना देते हैं, सही है। अब उससे ऊपर कौन साहब हैं? उससे ऊपर वो साहब हैं जो कि बिल्कुल एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर 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 जाते चले जा रहे हैं आप, यहाँ पर लार्जर सिस्टम लेवल पर्सपेक्टिव आ जाता है, जो कि उनके पास एक प्रोसेसर बना हुआ डब्बा पड़ा हुआ है, एक मेमोरी कंट्रोलर का डब्बा पड़ा हुआ है, वो उनके बीच में इंटरफेस बनाते हैं और वो कहते हैं जनाब मैंने जो है वो तो एक RISC-V बना दिया, बहुत जबरदस्त। उसके ऊपर एक और साहब बैठे हैं जो कहते हैं कि मैं तो ऐप लिखता हूँ, सही है। अच्छा, ऐप के भी चलो बीच में दो हिस्से कर लेते हैं। एक साहब हैं जो कि बैठे हैं, कहते हैं मैं तो फर्मवेयर लिखता हूँ। चलो, फर्मवेयर क्या है? वो ड्राइवर है जो कि हार्डवेयर से इंटरफेस कर रहा है। उससे ऊपर भी एक साहब बैठे हैं जो बिल्कुल ही एप्लीकेशन लिख रहे हैं बैठे, सही है। उन एप्लीकेशन वाले साहब को ये वाली विजिबिलिटी नहीं है कि नीचे मटीरियल क्या था और क्या नहीं था, सही है। इनको ये बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है कि नीचे डिवाइस में बेचारे किसी ने सोर्स फॉलोअर बनाया था कि कॉमन सोर्स बनाओ। उनको तो ये भी नहीं पता ऐप पे बैठ के ये फर्मवेयर ने बेचारे ने कौन सी इंस्ट्रक्शन भेजी थी प्रोसेसर को जब मैंने ए इज इक्वल टू बी प्लस सी लिखा। सो इट्स नॉट अ सिंपल थिंग टू डू। इसमें क्या होगा, पहले ये फैच होगा ऑपरेंड, ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा फैच होने के बाद, उसके बाद यहां जाके स्टोर होगा। सो ये इस इंस्ट्रक्शन के कितने हिस्से हैं? एक इंस्ट्रक्शन जाएगी फैच करेगी इसको, फिर इसको फैच करेगी, ऐड कराएगी एंड देन स्टोर कराएगी वापस जाके मेमोरी में। इनको ये भी नहीं पता होगा कि फर्मवेयर बेचारा जो है वो किन तकलीफ से गुजर गया इनके लिए। अच्छा, फर्मवेयर वाले को ये नहीं पता होगा कि नीचे बेचारा जिसने वो बड़ा डब्बा जोड़ा एक प्रोसेसर का मेमोरी कंट्रोलर के साथ, वो बेचारा किस तकलीफ से, उसको ये नहीं पता होगा कि नीचे उससे पहले प्रोसेसर के अंदर छह चीजें जोड़ने वाले क्या गुजरते रहे। उसको ये नहीं पता कि प्रोसेसर के एक सब कंपोनेंट को बनाने में, एक मेमोरी सेंस एम्पलीफायर बनाने में क्या बिगड़ा बेचारे का जिसने वो बनाया। उसको ये नहीं पता कि डिवाइस बनाने वाले ने क्या किया, और उसको ये नहीं पता कि सही है। सो डिजिटल लोग जिसको आप RTL कह देते हैं, सही है, रजिस्टर ट्रांसफर लॉजिक, RTL जो आप जिसको कह देते हैं, मॉडल से में लिखते हैं। एंड आई कैन गारंटी यू के पाकिस्तान में 95% लोग, कभी तुम लोग हमारे हाथ आओगे, अभी जो तुम लोगों का आखिरी कोर्स है DAPR, उसमें जरा तुम लोगों को, मैंने भी बहुत RTL लिखी है, मैंने डॉक्टर श्रेय के साथ काम किया है, मतलब, और मेरे अपने मतलब उस साइड पे भी पेटेंट्स हैं बहुत पुराने। सो आई वुड टेल यू के, और एंड आई वुड सी के तुम लोगों को जो RTL सिखाई गई है और जो भी कुछ है, सो आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली टेल यू राइट अवे, लिख लो कहीं और उस वक्त कर लेना, 95% लोग जो RTL लिखते हैं वो इट्स अ डिजास्टर। तो काम कैसे चल रहा है भाई, सारे काम कैसे चल रहे हैं? काम ऐसे चल रहा है कि मेरे पास है एक बहुत ही पावरफुल मशीन, मैं लिखता हूँ उस पे इंतहाई बकवास से कोड लिखता हूँ, मशीन इतनी पावरफुल है, देयर आर 1 बिलियन ट्रांजिस्टर्स इन अ सिंगल कोर ऑफ अ प्रोसेसर, और 16 कोर प्रोसेसर बैठा हुआ है मेरे PC में जनाब, 64 GB रैम बैठी हुई है, उसके बाद को प्रोसेसर बैठे हैं। वो कितना भी घटिया कोड लिख लो यार, वो देर आर जस्ट माइक्रोसेकेंड्स ऑफ डिफरेंसेस इन एग्जीक्यूशन टाइम। मतलब मैं बड़े बड़े बेंचमार्क कोड्स की नहीं बात कर रहा, उधर तो घटिया कोड फेल हो जाता है बेंचमार्क, लेकिन जब आप छोटी छोटी सी ऐप बना रहे हैं ना, मशीन आर सो पावरफुल के घटिया कोडिंग और अच्छी कोडिंग में फर्क ही नहीं पता चलता। सो एवरीबडी थिंक्स के वाओ, बहुत जबरदस्त। लेकिन ये चीज है ना, ये वाओ जैसी आप निकले
FPGA की दुनिया से आप जरा बाहर तो आए। FPGA क्या चीज है? FPGA इज अ प्रोग्रामेबल डिवाइस, सही है? एक दफा गलत कोड, दूसरी दफा गलत कोड, 1000वीं दफा गलत कोड, 10000वीं दफा सही हुआ, क्या गया? टाइम ही गया ना, सही है? ASIC पे आए आप जरा, जो कि हम बनाते हैं, IC, एक दफा में सही हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, सही है? एंड इट्स अ बिग लॉस। ASIC जो है, मैं तुम्हें बताऊं कि जस्ट पर MM स्क्वायर द कॉस्ट इज $2,000 US, सही है? इट्स नॉट सिंपल थिंग, ऐसा नहीं है बार बार जो है ना, अच्छा यार सॉरी चलो मैंने गलत लिख दिया था, ASIC में चले गए, वो फिर बना लेंगे, चलो फिर बना लेंगे। पाकिस्तान में अगेन यू गाइज वुड फील लाइक कि मैं हम अपनी जो है ना वो दफली पीटते रहते हैं, बट आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट। क्यों नहीं यार लोग पाकिस्तान में नहीं बनती यार ASIC, किसी से IC नहीं बनती, दिस इज द रीजन। मतलब दे कांट गो, मतलब द लास्ट माइल के जिधर फंस जाते हैं, और अगर बन जाती है तो वो फिर कुछ ना कुछ उसमें अल्लाह की मर्जी के कुछ ना कुछ इशू जो है वो होता ही, सही है? सो दिस इज अ डिफरेंट वर्ल्ड, दिस इज अ डिफरेंट वर्ल्ड, इट्स एन ईजियर वर्ल्ड, इट्स अ वर्ल्ड विदाउट वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू कैन लिव विद योर मिस्टेक्स, यू कांट लिव विद योर मिस्टेक्स, दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। देयर इज नथिंग एज known as digital in this world, सही है? It's just a perspective कि आप कुछ चीजों की तरफ देखें ना, आप कहें मैं तो खाली ऊपर देख रहा हूँ नीचे देख रहा हूँ, आई डोंट केयर कि मैंने एक बंदे को ऊपर बुलाया, आई डोंट केयर कि वो सीढ़ियों से गुजर के कैसे आ रहा है, हाँ मुझे बस ये पता है कि अभी मेरे ऑफिस में फर्स्ट फ्लोर पे दिस इज हाई, अब नीचे डायरेक्टर साहब के ऑफिस में दिस इज लो, आई डोंट केयर कि सीढ़ियों पे उधर से चला है, कैसे आया है, क्या किया क्या, लेकिन वो तेरे जो होल मैकेनिज्म ऐसे कैसे वो बैठे बैठे तो नहीं आ जाएगा, चल के आएगा सीढ़ियों से। सो देयर इज समवन हु इज डिजाइनिंग ऑल दैट पार्ट। तो तुम लोगों का जो एक कोर्स है ना आगे DICD, जो कि देयर इज ऑब्वियसली देयर इज वेरी लिटिल रिकॉग्निशन एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग पीपल कि ये क्या, दिस इज डिजिटल एट ट्रांजिस्टर लेवल। तुम्हें मैं यकीन करूं, मैं तुम्हें बताऊं, मतलब लोग इतना इसको लाइट लेते हैं इन मामला को, ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या होता है? अ PMOS एंड देन एन NMOS, सही है? ऑपरेटिंग एट टू बायस्टेबल स्टेट्स। ये तो एम्पलीफायर है ना, ये तो एक एक जनाब एक हाई गेन रीजन में एम्पलीफायर कहाँ बायस हुआ है, इस जगह बायस हुआ है एंड इट ऑपरेट्स हियर। इन्वर्टर कहाँ जाता है? यहाँ जाता है और यहाँ जाता है, तो ये इट्स जस्ट ईगर टू चेंज इट्स स्टेट। इसकी जब हम एनर्जी डिले ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे ना, तो हमें जो पसीने आएंगे वो मतलब नो नॉट मेनी पीपल इवन नो कि अच्छा एक इन्वर्टर को ऑप्टिमाइज करना पड़ता। आप जरा उसके अंदर हम उस कोर्स में देखेंगे कि अगर आप इन्वर्टर को ऑप्टिमाइज ना करें देन यू कैन नॉट इंश्योर दिस ट्रांजिशन। अब आप लिए बैठे हैं, वो ट्रांजिशन ही नहीं हो रही, तो स्लो या तो लो स्टेट पर अटक गया या हाई स्टेट पर अटक गया। सो यू ऑल्सो हैव टू बिकम क्लियर कि एनालॉग साइड पर आना है, एनालॉग साइड पर काम करना है। This is very close to the lowest abstraction level. This is where analog is. This is where we are sitting. ठीक है? तो अगर तो analog को compare करना है someone who is operating here, writing RTL, सही है? In a carefree manner, ये तो मतलब बात ही नहीं हो सकती, सही है? तो अब तो एक तो कंपैरिजन और वो सारा मसला अलग है। दूसरा ये कि तुम लोगों ने भी तो ये बोझ उठाना है ना, तुम लोगों ने भी सीखना है ना एनालॉग। सो यू कांट डू व्हाट दीज गाइस डू कि यार एक घंटा पढ़ लेंगे तो कुछ हो जाएगा, यार आखिर में देख लेंगे कुछ हो जाएगा, यार पीछे वाले कोर्सेज भूल जाएंगे और कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। यू आर अनफॉर्चुनेटली एट एन एब्स्ट्रैक्शन लेवल जिधर के बहुत बड़ी पिक्चर बहुत क्लियरली नजर आ रही होती है। ये तो एब्स्ट्रैक्शन लेवल जितना नीचे आते जाओ, तो ये जो मैंने बनाए दीज आर एब्स्ट्रैक्शन लेवल। इसमें नीचे आओगे यू आर कमिंग डाउन टू द एक्चुअल रियल डिटेल कि अच्छा कहाँ जाके हुआ क्या है। यहाँ जाके यू नो कि अच्छा इस इलेक्ट्रॉन ने, ऊपर तो मैंने एप्लीकेशन लिखी थी HTML में, और यहाँ जाकर उसने एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराया है इस ट्रांजिस्टर से इस ट्रांजिस्टर में, तब जाके वो जो HTML में कुछ लिख दिया था मैंने वो काम हुआ है।
सो दिस इज वेयर यू सी द रियल स्टोरी के भाई किस चीज की वजह से हुआ क्या है. जो रियल स्टोरी के चक्कर में अगर पढ़ना है देन यू कैन फॉरगेट अबाउट बीइंग केयर फ्री. Yeah, it's going to take a lot of time, it's going to take a lot of effort, and it's going to take absolutely no comparison. Yeah, there is absolutely no comparison. Main tumhe matlab aaoge na, main tum logo ko RTL bataunga ke proper tarike se likhi kaisi jati. Wahi main bata raha hu baar baar ke RTL, there is absolutely no evaluation, proper evaluation, because the machine is so powerful, because the FPGA is so high density. It's so high speed. आप कुछ भी लिख दें लेकिन जरा तुम ASIC के अंदर तुम गलत RTL लिख कर लाना, या हो सकता है आके बैठा हो या सुन रहा हो, उस्मान बैठा हो सुन रहा हो, दे नो इन्होंने मेरे साथ RTL लिखी है, मैंने डॉक्टर शोएब के साथ RTL लिखी है, मैंने उन लोगों के साथ RTL लिखी है जिन्होंने AMD में काम करा है, जिन्होंने जॉर्जिया टेक में काम करा है, जिन्होंने सन माइक्रो सिस्टम्स में काम. सो ये भी जो मतलब आई एम नॉट सेइंग दिस इज नॉट सीरियस वर्क, दिस इज समथिंग इडियोटिक और स्टूपिड, उसके भी मतलब बहुत तमीज से तरीके हैं करने के, लेकिन द स्टफ दैट यू आर डूइंग एट एनालॉग लेवल दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. सही है. तो ये जितनी जल्दी रियलाइज कर लो, इस पे जितनी ज्यादा एफर्ट लगा लो कि इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे. अच्छा, उसमें फिर लोग ओवरवेल्म होना शुरू हो जाते हैं, या वो भाई क्या मुश्किल चीज, मुश्किल नहीं है, इट्स अबाउट बेसिक्स. सही है. इट्स अबाउट राइट बेसिक्स. यू कांट give up on basics, you can't give up on older knowledge, ke you can't give up on electronics ke ye jo courses the, you can't give up on AICD 1 and matlab AICD 2 agar padhna hai. So that's the thing jo ke maine quiz ke through aapko ek subliminal message aur reverse psychology ke through ek message diya hai. Dekho LCS nazar aa gaya tum logo ko, usme use hota hua, उसके अंदर AICD 1 यूज होता हुआ नजर आ गया. हालांकि सवाल मैंने AICD 2 के पूछे थे सारे. तो अब ये के बहरहाल आई वुड इंक्रीज नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ असाइनमेंट एंड क्विजेस, सो दैट मतलब जो लोग एक होता है ना, एक अल्लाह की इबादत कर रहा है, जब मोमिन उसी को कहते हैं ना कि अल्लाह की इबादत वो अल्लाह की अजमत की वजह से कर रहा है, एक होता है वो दोज़ख जन्नत के डर से कर रहा है. तो भाई जो दोज़ख जन्नत के डर से करें, असाइनमेंट को इसके डर से करें उससे कर लें, भाई जो एनालॉग की अजमत को सजदा करते हुए करें वो उसकी उससे कर लें. बहरहाल कर लें, मतलब आई वुड हैव टू ट्राई टू मेक श्योर के जरा एकेडेमिक मामलात पर तवज्जो आए, नॉन एकेडेमिक मामलात से हटकर, कि कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. सही है. सो दोज आर रियली I don't know. मतलब अभी बहुत एकेडेमिक मसले मसाइल हैं, वो पता नहीं कहाँ की बातें हैं, वो एंजॉयमेंट वी विल सी. तुम लोग आओगे मेरे ग्रुप से मिलोगे, शुरू में शायद डिप्रेस हो जाओ, यार ये कैसे लोग हैं जो हर वक्त सीरियस रहते हैं, वो काम ही करते रहते हैं, लेकिन यू वुड सी कि दे आर वेरी टफ एंड डाई हार्ड सॉर्ट ऑफ पीपल. तो देन यू वुड रियलाइज कि दे आर ऑल्सो लिविंग एंड दे आर लिविंग अ वेरी मीनिंगफुल लाइफ. ऐसा नहीं है कि खाली ये लोग फालतू में खुश रहते हैं और एक दूसरे के हाथ तालियां मारते रहते हैं, वही कुछ काम करें. You would meet them. You would meet these special people, inshallah, in a short time. चलो अब अगला जो topic है sports का, so constant voltage charge readout. शायद ये तुम लोगों को याद हो कि हम क्या पढ़े थे भाई, हम pre-amplifier पढ़े थे for a capacitive MEMS sensor, जो कि हमने जिसको MEMS microphone कहा था. उसमें हमने फर्स्ट अप्रोच पढ़ी थी, दैट वाज कांस्टेंट चार्ज वोल्टेज रीड आउट. चार्ज को सेम रखा था, वोल्टेज को रीड आउट करा था. सो दिस इज योर सेकंड अप्रोच, कांस्टेंट वोल्टेज चार्ज रीड आउट. अच्छा, गम वही है हमारे, वही सेंसर, वही सीएम है जो छोटा है सी नॉट के मुकाबले में, वही पैरासिटिक्स हैं CP1 एंड CP2. सही है. तो वही गम है कि ये बायस लगा हुआ है, कोई इसको भाई रीड आउट कर ले, CM को उठा ले और जो है उसको कन्वर्ट कर दे किस चीज में, यहाँ लाके मुझे कन्वर्ट करके दे दे, वोल्टेज दे दे,
करंट दे दे, कुछ दे दे भाई, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दे दे मुझे जिसको मैं अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम से भी गुजारता था। सही है। सो अब जैसे कि नाम तुम लोगों को नजर आ रहा है कि चार्ज वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है, और जो भी चार्ज आपका सेंसर फेंक रहा है उसको आपने रीड आउट करना है। तो वोल्टेज को कांस्टेंट रखने का क्या मतलब हुआ कि यू वुड नॉट लेट वोल्टेज एट दिस पॉइंट चेंज। पहले हम क्या करते थे, यहां पर Vx था, चार्ज जब चेंज होता था हमने एक चार्ज स्टोर कर दिया था स्ट्रक्चर में, और जब ये कैपेसिटेंस चेंज होती थी तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होती थी, उसकी वजह से वोल्टेज चेंज हो जाता था। उस वोल्टेज को हम चेंज होने देते थे और आगे हम एक एम्पलीफायर ऑफ यूनिटी गेन से हम आगे बफर करके रीड आउट कर लेते। दिस टाइम वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि वोल्टेज तो चेंज ना हो। जब वोल्टेज ना चेंज हो और फिर हमने जो चार्ज आ रहा है वो रीड आउट भी करें, तो अब ये कैसे होगा कि एक चीज यहाँ पर वोल्टेज चेंज ना होने का क्या मतलब है, वोल्टेज फिक्स होने का क्या मतलब है। पिछली दफा भी बहस हुई थी कि क्लैंपिंग अ नोड विद रेस्पेक्ट टू वोल्टेज, वोल्टेज सोर्स इज अ लो इंपीडेंस सोर्स, सही है। सो क्लैंपिंग अ नोड विद रेस्पेक्ट टू वोल्टेज दैट्स लाइक कनेक्टिंग इट टू, मेरे पास असल में बच्चे पीछे से इसकी रबड़ खा गए होते हैं, मैं फिर ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। तो क्लैंपिंग इट, अगर यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट रखना है, क्लैंपिंग इट टू अ वोल्टेज सोर्स, दिस इज अ वेरी लो इंपीडेंस थिंग, सही है। तो यहाँ तो वोल्टेज हिलने नहीं देगा, तो यहाँ से जो भी चार्ज आएगा वो तो ये खुद ही जाएगा, वोल्टेज क्यों नहीं हिलेगा। अब एक वोल्टेज सोर्स जो है क्यों नहीं हिलने देती वोल्टेज किसी नोड से, उसका मकसद यही होता है कि भाई जो भी यहाँ आएगा, जो भी कुछ क्या आता क्या है, गेम तो चार्ज ही है ना सारा। चार्ज के फ्लो को, रेट को आप कहते हैं करंट है। चार्ज कहीं जमा हो जाए, वहां एक पोटेंशियल बिल्डअप हो जाए, उसको आप वोल्टेज कह देते हैं। घूम फिर कर जो रियलिटी है वो तो वही चार्ज है, और चार्ज के पीछे कौन बैठा है, इलेक्ट्रॉन बैठा। उसी इलेक्ट्रॉन को आप कहते हैं भाई मैं थोड़ा सा टिल्ट कर रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा हूँ, इधर से इधर चले जाए। उसके जब वो फ्लो कर रहा होता है बेचारा, उसी रेट को आप करंट कहना शुरू कर देते। तो अब बेसिकली गेम इज के घूम फिर कर द रियल थिंग इज चार्ज, सही है। अब ये कि वोल्टेज सोर्स कैसे वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन करती है, अगर कहीं से कुछ उसने एक लेवल पे रखा हुआ है, कहीं से कुछ घूमता हुआ एक, तो आप इसको एक ऐसा ग्लास समझ लें जिसमें कि कांस्टेंट वोल्ट लेवल रहता है, ग्लास है इस लेवल पे रहता है, आपने लागे कुछ और पानी डाल दिया इसमें, ये ग्लास ऐसा है जिसके यहाँ एक सुराख है, सही है। तो जैसे ही पानी इस लेवल से ऊपर गया, यहाँ से निकल गया और फिर उसी लेवल पे आगे टिक गया, तो दिस इज वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स अगर कहीं कोई चार्ज आ गया इधर टहलता हुआ और यहाँ कांस्टेंट वोल्टेज रखना है, उसने पी जाना है। यार तुम लोगों को आवाज आ रही है? जी सर आवाज आ रही है। अच्छा, बीच में बिल्कुल सन्नाटा हो गया था, मुझे ऐसा लगा कि डिस्कनेक्ट हो गया हूं, मैं बोले चले आ रहा हूं चीजें। वोल्टेज सोर्स तो यहाँ चार्ज वैसे ही पी जाएगी, तो भाई अब हाउ डू आई मेक श्योर कि आई हैव अ कांस्टेंट वोल्टेज हियर। अब फिर वही मुसीबत पड़ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स 1, 2, 3 में जरा कुछ तलाश करो। है पुरानी मतलब फिर एंशिएंट विजडम और कन्वेंशनल विजडम से कुछ ढूंढ के लाओ। एक नोड पर वोल्टेज भी नहीं हिलने देना है और उधर से चार्ज को भी नहीं खाना है, सही है। तो जब चार्ज को नहीं खाना है इसका मतलब है कि वहां एक रास्ता होना है कहीं आगे जाने का, और वहां वोल्टेज भी नहीं हिलना है। ये कैसे होगा, मतलब मैंने अगर वहां वोल्टेज सोर्स लगा दी तो रास्ता तो वोल्टेज सोर्स की तरफ चला गया, एंड इट्स अ वेरी लो इम्पीडेंस रास्ता, हो तो सारा कुछ वहीं जाएगा। सो विदाउट कनेक्टिंग अ वोल्टेज सोर्स उस नोड पे मैं वोल्टेज कैसे मेंटेन करूं। अब ये बहुत एक बहुत ऑब्वियस सर्किट है जो बहुत दफा मैं मतलब मुझसे लिखवा लो तुम लोगों ने बहुत दफा एनालाइज किया होगा अपने हाथ से अपने अंडरग्रेड में, लेकिन क्योंकि इस एंगल से कभी नहीं देखा होगा, वो बुक के एंगल से देखा होगा जनाब, हाँ जी ये एनालिसिस करें चले जनाब, आ गया ये इक्वेशन आ गई, वो 12 को ये गेन आ रहा है तुम्हारा, हाँ सही आ रहा है, बहुत तुम्हारा खत्म हो गई बात वहां पर।
कभी उसको अप्लाइड पर्सपेक्टिव से देखेंगे. सो लेट मी टेक यू बैक थ्रू सम मेमोरी लेन्स. क्या बना है? कंपैरेटर. ये सर्किट की इंसल्ट है. सर इसका नाम याद नहीं आ रहा. ये याद मतलब इनका मैं कर रहा था. हाँ फिर मैं भी अब जब तुम आया करोगे ना लैब में, मैं यही करूंगा कि ये लड़के इधर आओ. नाम नहीं याद आ रहा. कैसा लगेगा सर? वो आप मुझसे तो मिलते रहते हैं ना. लीका से मिले हुए व्हाट टाइम हो गया. हाँ तो वो मैं भी ऐसे बिहेव करूंगा ना. नॉन इन्वर्टिंग तो नहीं है. खैर दोबारा से बोले मेरा क्या, मैंने गलत तो नहीं सुना? एक दफा फिर से बोले, मैं शायद गलत सुनी हूँ. मेरे पास तो आवाज ब्रेक हो रही है. किसी की पास इनकी सही आ रही है तो वो दोहरा दे. आवाज ब्रेक हो रही है, कुछ नहीं समझ रहा. तो एनीवन एल्स? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सही है. तो इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, और ये भी तो एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ही होता है, कॉमन सोर्स दोनों का एक ही नाम है. ये भी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ये भी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. ये भी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, कॉमन सोर्स माइनस जी एम आर डी. ये भी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है. पूरा नाम क्या है? मान लिया. कुछ याददाश्त तो वापस आ रही है, लेकिन पूरी क्या चीज बनी हुई है? इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर. अच्छा दिस इज क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. दिस इज एन ओपन लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. देयर इज नो फीडबैक इन दिस. आउटपुट इनपुट कनेक्टेड नहीं है. दिस इज क्लोज लूप. आउटपुट जाकर इनपुट पे लग रही है. तो अगर तुम लोगों को यही नहीं याद आ रहा, तो अब मैं तो ये अज्यूम कर रहा था, ये शक्ल दिखाऊंगा तो तुम लोगों को कॉन्स्टेंट वोल्टेज वाली चीज याद आ जाएगी. मैं इससे कैसे गुजारूं भाई? अच्छा चलो इसकी छोटी सी एनालिसिस करते हैं. एनालिसिस कैसे करेंगे इसकी, मतलब शॉर्ट फॉर्म. ओके ओके सो इसको एक काम करते हैं. लेट्स कॉल दिस नोड एज वोल्टेज वी एक्स. ठीक है. कैन आई राइट के वी नॉट इज इक्वल टू यार तुम लोगों को आवाज आ रही है? जी सर. यस सर आवाज आ रही है. ये मुझे कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं ऐसे में. सो वी नॉट को लिखते हैं. वी नॉट इधर किसके बराबर है? ए मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? पॉजिटिव टर्मिनल पे जीरो है, माइनस, और यहाँ पर क्या है? वी एक्स. तो ये एम्पलीफायर क्या कर रहा है? ऑप एम्प के पॉजिटिव टर्मिनल पर आपने ग्राउंड लगाया हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल पे जो वोल्टेज है उसको वी एक्स का है. इन दो के डिफरेंस को ए से मल्टीप्लाई करके आउटपुट पे रख देते हैं. सही है. अब एक छोटा सा काम करते हैं. वी एक्स को यहाँ ले आता हूँ, ए को इससे डिवाइड कर देता हूँ. सो वी एक्स इज नथिंग बट, मतलब बेसिकली क्या होगा इसको इधर उधर
माइनस वी नॉट एवर ओवर ए, ये इसको तुम लोग कर लेना, एक आधा स्टेप स्किप किया है, इट्स प्रीटी सिंपल. तो अब ये मैथमेटिक्स क्या कह रही है, ये वी नॉट ओवर ए. नाउ लेट मी अज्यूम कि ए इज सीरियसली सीरियसली लार्जर देन वन. सो कैन आई अगेन यूजिंग मैथमेटिक्स, कैन आई से कि वी एक्स इज इक्वल टू दिस. मतलब मैथमेटिक्स मुझे अलाउ कर रही है ना अभी तक, तो यू गाइस आर ओके. नाउ द प्रॉब्लम इज कि व्हेन वी एक्स इज जीरो, जीरो किसका होता है, वोल्टेज ग्राउंड का होता है. सो व्हेन वी एक्स इज जीरो, तो ये तो ये बात हो रही है यार, एक सारी रबरें चला गए हैं. सो बेसिकली इसको इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ. तो ये बात हो रही है कि ये नोड भी जो है ऐसे जो जा रही है, दिस इज ऑल्सो ग्राउंड. मतलब अगर वी एक्स इक्वल टू जीरो है, जीरो वोल्टेज कहाँ होता है, ग्राउंड पे होता है. तो अब अगर इस सर्किट को मैं फिर से ड्रॉ करूं, माइनस प्लस, प्लस पे ग्राउंड लगा हुआ है, ये रही आउटपुट भाई आपकी, ये रहा आर टू, ये रहा आर वन, ये रहा वी इन, इन और ये वी आउट. तो यहाँ ग्राउंड है और वो इस इक्वेशन के थ्रू, इस मैथमेटिक्स के थ्रू ये लग रहा है कि यहाँ पे भी ग्राउंड है. तो अभी कुछ याददाश्त नहीं वापस आई. वर्चुअल ग्राउंड, यस सर, वो वर्चुअली कोई करंट, वर्चुअल ग्राउंड है. हाँ, तो वर्चुअल ग्राउंड किसको कहते हैं सर, जहाँ पर हमारा मतलब जो रेफरेंस हमारा वोल्टेज इस दोनों नोड पे सेम हो जाए. नहीं, उसको तो वर्चुअल शॉर्ट कहते हैं. वर्चुअल ग्राउंड किसको कहते हैं, जब दो नोड्स पे विदाउट अ कनेक्शन वोल्टेज सेम हो जाए, देन वी कॉल इट्स अ वर्चुअल शॉर्ट. सही है, क्योंकि दोनों में वोल्टेज सेम है, तो शॉर्ट में क्या होता है, वोल्टेज सेम ही होता है ना, वो तो वर्चुअल शॉर्ट होता है. दिस इज वर्चुअल ग्राउंड. वर्चुअल ग्राउंड ये होता है, इधर कोई ग्राउंड नहीं लगा लेकिन इधर ग्राउंड आ रहा है. क्यों आ रहा है, हमने ये देखा कि जो एम्पलीफायर है ये क्या करता है, ये कर क्या रहा है. तो मैंने थोड़ा सा इसके साथ खेलने की कोशिश करी. क्या खेलने की कोशिश करी, वी आई साहब जीरो थे, इनको मैंने थोड़ा सा बढ़ाया जीरो से. जैसे ही जीरो से बढ़े, यहाँ आर वन बैठा है. रेजिस्टर का काम क्या होता है, कि वोल्टेज को करंट में और करंट को वोल्टेज में कर दे, यही होता है. ऐसे ही होता है ना भाई, मतलब रेजिस्टर बस एक काम करता है, जिधर वोल्टेज आया उधर करंट, जिधर करंट आया उधर वोल्टेज. तो ये वोल्टेज देखा है रेजिस्टर साहब ने, इन्होंने कहा मुबारक, अच्छा इधर एक पॉजिटिव वोल्टेज है, यहाँ पर एक करंट इस तरफ फ्लो करेगा जनाब. यार एक मिनट होल्ड करना है. सही. तो अब ये जब इधर वोल्टेज आया, इन रजिस्टर साहब ने उसको करंट में कन्वर्ट करा, यहाँ एक करंट आया. अब करंट क्या है भाई, करंट इज पर यूनिट चार्ज, यानी घूम फिर कर इस चार्ज, इसको आप टाइम के यूनिट्स में देखना शुरू कर दें तो उसको आप करंट कहना शुरू कर देते हैं. तो यहाँ पर ऐसा चार्ज आया जो कि पॉजिटिव, उसमें कोई जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव हायर गया था वोल्टेज. सही है, तो अब यहाँ पर कुछ पॉजिटिव वोल्टेज बिल्डअप होना शुरू हुआ. चार्ज एक ग्लास के अंदर आके, चार्ज जमा हुआ, पानी जमा हुआ ग्लास के अंदर आके,
तो पानी का लेवल बिल्डअप होना शुरू हुआ इस नोड पे, यहाँ पर वोल्टेज ऊपर जाने लगा, चार्ज आया यहाँ से निकल के यहाँ आया, सही है। अब क्या हुआ, ये एम्पलीफायर साहब इनका गेन है टिका के लार्जर देन वन, जो कि अभी हमने यहाँ पर भी देखा। अब ये ऊपर जाने लगे, इन ये हरकत में आए, जाहिर है इन्होंने कहा ओहो हो भाई अच्छा आप तो ये नोट तो मेरे नेगेटिव वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल पे बैठी है और मेरा जो रेस्पॉन्स है वो तो बराबर है ए वी आउट इज इक्वल टू माइनस ए वी एक्स। इन्होंने यहाँ पे वी आउट क्रिएट करा माइनस ए वी एक्स। अब हालांकि वी एक्स तो अभी बेचारा ये है ना वी एक्स तो अभी बेचारा हिला था अपनी जगह से, मुश्किल से जरा सा हिला था लेकिन ए इतना बड़ा है कि उसने उस जरा से हिलने पर यहाँ एक ठीक ठाक वी आउट क्रिएट कर दिया। अब वी आउट क्रिएट करा, इत्तफाक से ये नेगेटिव क्रिएट करा क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल पे बैठे हुए, नेगेटिव क्रिएट करा तो यानी कि यहाँ वोल्टेज गया नीचे। जब नीचे गया तो अब आप इसको नेगेटिव चार्ज समझिए, नीचे जाने का मतलब है कि इसने कहा भाई करंट अब यहाँ से, या मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, करंट यहाँ फ्लो करेगा लेकिन नेगेटिव, असल में तो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, मैं अभी जस्ट टू एस्टैब्लिश प्रॉपर कॉम्पिटिशन मैं उसको इस तरफ फ्लो करा रहा हूँ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेकिन नेगेटिव करंट मतलब उसने कहा नेगेटिव चार्ज जाएगा यहाँ से यहाँ क्योंकि यहाँ नेगेटिव वोल्टेज आया। अब बेचारा अभी ये पॉजिटिव चार्ज इसको ऊपर लेकर जा रहा था, आपने इतने से हिलने पर यहाँ से उठा के एक नेगेटिव वोल्टेज वाला नेगेटिव चार्ज, वो ऊपर जाने के बजाय वहीं बैठ के रह गया, वहीं कहीं बैठ के रह गया। अच्छा ये और ऊपर गया, ये इसने और ऊपर जाने की कोशिश करी, ये और नीचे आ गया, ये और नीचे आया, इसने नेगेटिव चार्ज, वो वहीं बेचारा बैठेगा बैठा रह गया। तो बेचारा बैठेगा बैठा नहीं है, आप जरा उसे इधर ना जूम इन करें, जूम इन करके आपको नजर आएगा कि इनपुट तो गई थी इतनी ऊपर, तो ये भी ऐसा नहीं हुआ था कि बिल्कुल ऊपर नहीं आई, जरा सा ऊपर गया था, सही है, लेकिन कितना ऊपर गया था, डिवाइडेड बाय ए ऊपर गया था। अगर बी नॉट जो है वो वन वोल्ट था और ए जो है वो वन मिलियन था, सही है, तो वन माइक्रो ऊपर गया था, वन माइक्रो वैसे दूर से कहीं से देख रहे हो तो ये कहोगे यार इट्स ऑलमोस्ट जीरो वोल्ट, वन माइक्रो की क्या हैसियत है लैब के अंदर, सही है, लेकिन इट्स नॉट जीरो, इट्स नॉट रियली जीरो। इंजीनियरिंग में जो है वो मैथमेटिक्स पर इसीलिए फिर थोड़ा सा फंस जाती है कि आप जब जीरो इन्फिनिटी को टकराते हैं फिर वो वन माइक्रो को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ वन मिलियन से, क्या आ जाएगा एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी वन वोल्ट। अब तुम वन माइक्रो वोल्ट एक मल्टीमीटर लगाते, डिजिटल मल्टीमीटर, उस पे तो नजर ही नहीं आता, वो कहता दिस इज जीरो, सही है, तो मैथमेटिक्स के नजदीक दिस वाज जीरो क्योंकि आपकी रेजोल्यूशन से नीचे था। अब आप एक रेजिस्टर मेजर करते जो कि वन मेगा फॉर एग्जांपल कर ही नहीं सकता अगर वो आपका मल्टीमीटर, वो कहता दिस इज इनफाइनाइट, यार ये तो मतलब बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, ओपन सर्किट जाओ दफा दो। लेकिन आपने क्या किया, आपने जब बकौल आपके सिस्टम के जीरो को टकराया इन्फिनिटी से, आया क्या एक फाइनाइट नंबर जो कि आपका डीएमएम बहुत खुश है, आप डीएमएम कह रहे हैं हाँ जी वन वोल्ट है, थोड़ी देर पहले उसके एक कंपोनेंट कह रहा था जीरो है, दूसरे कंपोनेंट कह रहा था इन्फिनिटी है। जीरो इंटू इन्फिनिटी जो है वो मैथमेटिक्स में क्या होता है, दे ऑलवेज कंसीडर कि जीरो इज मोर पावरफुल, जीरो कर देते हैं उसको, दैट्स नॉट इंजीनियरिंग। सही, इंजीनियरिंग में जीरो इज के जिधर आपकी रेजोल्यूशन खत्म होगी, इन्फिनिटी इज जिधर आपकी रेंज खत्म होगी, लिमिट इनफाइनाइटली स्मॉल इनफाइनाइटली लार्ज को आप टकराते हैं इंजीनियरिंग में तो ये फॉर रिजल्ट आ गया, सही है। सो हुआ क्या कि ये साहब हिल रहे थे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जब ऊपर गए थे थोड़ा सा नीचे गए थे थोड़ा सा, तो ये इतना छोटा हिल रहे थे, मतलब जब आप माइक्रोवोल्ट्स में हिल रहे थे तो आपने कहा यार ऑलमोस्ट ग्राउंड है, सही है, मैं टेंशन नहीं दो इतना छोटा सा हिल रहा है ऑलमोस्ट ग्राउंड है, लेकिन ग्राउंड तो कनेक्टेड नहीं है ना, ग्राउंड कनेक्टेड नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट ग्राउंड है, सो वी हैड टू कॉल इट वर्चुअल ग्राउंड। मैथमेटिक्स ने आपको कर दिया था इधर, लेकिन आपको समझ में नहीं आया था कि ये कैसी बात हो रही है, तो आपको अब डायनेमिक्स नजर आ गई कि ये इस वजह से आपका जो है सर्किट ये ग्राउंड हिलता नहीं है। सो दिस इज अ नोड जो कि वोल्टेज सोर्स भी नहीं कनेक्ट हुई अभी, और वोल्टेज किधर मेंटेन हो गया है, उस जगह पे मेंटेन हो गया है जिधर आपने सेकेंड टर्मिनल लगाया, सही है।
So we come back to our circuit. So it means that we need to create a virtual ground here. Virtual ground ke kya do ingredients nazar aa rahe hain. Ek amplifier chahiye jiska ke gain larger than one hai. Aur tum logon ne agar gaur kiya ho to ye kaun sa feedback laga hua hai? Negative फीडबैक लगा रहा हूँ. सो द अदर इंग्रेडिएंट इज कि इसकी आउटपुट आएगी उठकर किसी एलिमेंट के थ्रू. अब वो एलिमेंट क्या है, इधर तो रजिस्टर था, एलिमेंट क्या है वो हम देखेंगे. so ये साहब जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल पे, ये फीडबैक आके लगेगा नेगेटिव टर्मिनल पे. पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या होगा, वो वोल्टेज जो कि आप वी एक्स पर चाह रहे हैं, वी एक्स रेफ कह देते हैं उसको. तो यहाँ वी एक्स रेफ जो है इस नेगेटिव फीडबैक के थ्रू वी एक्स यहाँ पर मेंटेन होगा. And this way we would be able to establish a constant voltage. Voltage नहीं हिलेगा, जैसे ही चार्ज आएगा और इसको हिलाने की कोशिश करेगा ये नेगेटिव फीडबैक उसको पी जाएगा by reading out the charge. सही है. So this is the philosophy of this. अगली दफा हम इसको जरा डिटेल में इसकी एनालिसिस करेंगे. There is a possibility, बल्कि what possibility अभी कर लेता हूँ. Assignment number what? कौन सा assignment होगा ये? पहला ही है. पहला कहाँ से है ताहिर, तुम असाइनमेंट से नहीं करते फिर हो गया. सर वो आपने एलएमएस पे नहीं, एलएमएस पे उस पे नहीं डाला हुआ ना सर, तो उस हिसाब से अभी तो वैसे तो दो डाला होगा ना यार, उस्मान डाल चुका होगा यार, क्या हो गया सर? वो दो असाइनमेंट आपने दिए थे पिछली उसमें, मतलब वो देखा जाएगा. सही है. सो डेराइव और कॉन्स्टेंट वोल्टेज चार्ज रीड आउट स्कीम गिवन इन द सर्किट, वो सर्किट दूंगा मैं. सही है. और ड्राइव करनी होगी तुम दोनों इक्वेशन. ठीक है अभी जाओ. लेकिन ये आज जो भी डिस्कशन वगैरह हुई हैं थोड़ा सा याद रखो कि इस पर जाके एफर्ट लगाओ. ये जो 3 घंटे वाली क्लास है, I think I would also try to break this habit. हमें दो दो घंटे, दो 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 क्लासेस डेढ़ डेढ़ घंटे की हम रखा करेंगे. तुम लोग एक दफा आ जाओ, फिर हम हजारों किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तुम लोगों पे. This really doesn't work out, this 3 hour class. ना तुम लोगों की अटेंडेंस, मतलब अटेंडेंस नहीं, let's say अटेंशन मुझे लगता है, और ना फिर मेरा जो है ना 2 घंटे के बाद दम बचा होता है बिल्कुल. मैं जो है बहुत फलसफा भगा रहा हूँ. तो ठीक है, लेट्स स्टॉप इट हियर. और फिर उसके बाद इंशाल्लाह संडे को देयर वुड बी अनदर सेशन, तुम लोगों का लैब सेशन होगा और उसमें देखते हैं. ये असाइनमेंट मैं अपलोड कर दूंगा. देयर वुड बी टाइटर टाइमलाइंस, मैं डाल दूंगा आज. टाइटर टाइमलाइंस होंगी असाइनमेंट्स की, ज्यादा क्विजेज होंगे, ज्यादा असाइनमेंट्स होंगे. सो गेट रेडी फॉर सम, सही है, मतलब टफर एकेडमिक जो इशूज के लिए थोड़ा सा तैयार हो, ताकि फोकस इस तरफ आए बजाय इसके ये जो है ऊट पटांग बातें होती रहेंगे कर क्या रहे. लीव इट टू अस के क्या कर रहे हैं. उसके बाद अगर एक आध साल के बाद कुछ ना हो तो फिर पकड़ना.